और अगली बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। हरियाणा कांग्रेस में लगातार हो रही है ज्वाइनिंग और कांग्रेस नेता आफताब अहमद ने दावा किया है, कहा कि हरियाणा में लगातार कांग्रेस मजबूत हो रही है और हरियाणा कांग्रेस प्रभारी लगातार बैठकें कर रही हैं और जल्द ही संगठन का निर्माण होगा। ये बात आफताब अहमद की तरफ से कही गई है। बड़ी जानकारी, हरियाणा कांग्रेस प्रभारी लगातार बैठकें कर रहे हैं, आफताब अहमद की तरफ से ये बात कही गई है और जल्द ही संगठन का निर्माण होगा। दिल्ली से बड़ी जानकारी है, हरियाणा कांग्रेस में लगातार ज्वाइनिंग हो रही है और आफताब अहमद ने दावा किया है। और कांग्रेस नेता आफताब अहमद से हमारी संवाददाता प्रियंका राय ने खास बातचीत की है, आपको सुनिए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस नेता आफताब अहमद। सर, आज भी लगातार प्रोसेस के अंदर देखा हमने कि बहुत सारी ज्वाइनिंग हुई, कांग्रेस में लगातार नए लोग जुड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं इस जुड़ाव को, क्या इसका फायदा आगामी चुनावों में देखने को मिलेगा? सबसे पहले मैं हरियाणा के जो भी हमारी कांग्रेस पार्टी में नए नए लोग जो है अन्य पार्टी की विचारधाराओं में यकीन रखते थे वो हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं। और ये पार्टी कार्यकर्ता ही नहीं और पार्टी के संगठन के लोग ही नहीं, इसमें चुने हुए नुमाइंदे, चाहे जिला परिषद की बात करें, सरपंच की बात करें, बहुत बड़ा वर्ग है। इसके साथ साथ एक सामाजिक मंच के लोग भी कांग्रेस पार्टी को अब समर्थन देना शुरू करें और सबसे बड़ी बात है सभी जाति धर्म के लोग जो हैं मिलके, जो कांग्रेस की एक खूबसूरती है प्रजातंत्र में, जिस तरीके से उन्होंने हमेशा अपनी जो आइडियोलॉजी है उसको प्रोपगेट किया है, उसी के अनुरूप कांग्रेस में सभी वर्गों का, सभी जातियों का, सभी का उनका समावेश और बड़े तौर पे हो रहा है। और मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में हरियाणा एक बहुत बड़े परिवर्तन की ओर जो है राजनीतिक तौर पर चल पड़ा है और उसी का नतीजा है कि मैं समझता हूँ कि कोई हफ्ता ऐसा नहीं है जिसमें कोई ना कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, कोई ना कोई राजनीतिक व्यक्ति, कोई ना कोई समाज से जुड़े हुए जो प्रमुख लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे हैं। प्रभारी जी भी लगातार बैठकें कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ फीडबैक ले रहे हैं, क्या कांग्रेस का संगठन जल्द निर्माण हो जाएगा और इस फीडबैक का कितना फायदा कांग्रेस को होगा? नहीं, ये हमारी पार्टी के नेताओं का एक अपना रूबरू होने का, फीडबैक लेने का और उनसे जो है किस तरीके से हम संगठन को बेहतर कर सकते हैं उसकी एक प्रक्रिया है। और मैं समझता हूं बहुत शीघ्र इस प्रक्रिया का पूरे होने के उपरांत कांग्रेस का बहुत वाइब्रेंट जो है संगठन और बहुत उसमें जो है उसका गठन होके और कांग्रेस को राजनीतिक जो दिशा है उसको और बल मिलेगा और कांग्रेस हरियाणा की जनता को जो आज भाजपा और जजपा के रूप में एक त्रासदी झेल रही है राजनीतिक सत्ता में जो है उनकी, उससे छुटकारा दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये था हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस नेता आफताब अहमद, जिन्होंने कहा कि ज्वाइनिंग और उसके साथ ही साथ प्रभारी के मीटिंग्स का फायदा आने वाले समय में कांग्रेस को देखने को जरूर मिलेगा और हरियाणा में परिवर्तन भी होगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फर्स्ट।